नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। चैनल का नाम है दीप का डेली ब्लॉग्स। हमेशा की तरह सबसे पहले धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, जो मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था वो एक वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले अपना लास्ट वीडियो डाला था, करीब एक महीने पहले। वो ब्लैंको का एक परफ्यूम था जो कि ब्लैंको बिलेनियर। प्लीज़ चेक कीजिएगा मेरा रिव्यू को। मुझे लगता है ये बहुत ही एक बेहतरीन क्लोन है क्रीट एवेंटस का, जो इनके फ्रूटी बैचेस थे उससे काफ़ी सिमिलर है। क्लब दी न्यू इंटेंस मैन से काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है, तो एवेंटस का ही हम कहेंगे इसे। बहुत अच्छा, एक बढ़िया सा क्लोन है। प्लीज़ चेक कीजिएगा मेरे रिव्यू को। तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी ब्लैंको का ही 8 परफ्यूम का सेट पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि आज भी क्यों ना ब्लैंको का ही एक जो बहुत बेहतरीन परफ्यूम है उसका रिव्यू किया जाए। तो आज हम बात करेंगे इस परफ्यूम का, जो एक ब्लैंको का ही परफ्यूम है, ब्लैंको स्पोर्ट्स। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर ये ब्लैंको का स्पोर्ट्स है जिसका हम बात करेंगे। वैसे ब्लैंको का ये सेट मैंने खरीदा था जिसमें 8 परफ्यूम मुझे मिले थे। मुझे करीब करीब 550 से 600 यानी 600 रुपये के बीच में ये पड़ा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि एग्जैक्ट प्राइस इसका कितना पड़ा था। वैसे इसका प्रिंटिंग प्राइस है 999। फ्लिपकार्ट से मैंने ये परचेज किया था। तो आज बात करते हैं ब्लैंको के इस परफ्यूम का। ये है ब्लैंको स्पोर्ट्स। वैसे इसका ब्लू कलर का प्रेजेंटेशन है। ये तो वैसे मेरा 8 ml का सैंपल है, इसमें प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। इनका जो 100 ml का प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो फुली अच्छा प्रेजेंटेशन है। और ब्लू कलर का बॉटल है, इसमें रेड में स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, प्योर परफॉर्म कंसेंट्रेशन में है। प्लास्टिक का इसका छोटा सा स्प्रेयर है और एटोमाइजर। ये एटोमाइजर चेक कर लेते हैं कैसे ये स्प्रे करता है। नॉर्मल सा स्प्रेयर है जैसे 8 ml के सैंपल्स में होते हैं। होपफुली जो 100 ml के इनके स्प्रेयर है वो अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। वैसे 100 ml का जो प्राइस है वो है 500 to 600 रुपीज़ के बीच में आता है। अगर आप इनके कॉम्बोज खरीदेंगे, जैसे मैंने, मुझे बिलेनियर काफ़ी पसंद आया था जो कि एवेंटस का क्लोन है, जिसका रिव्यू मैंने पहले बना दिया है अपने चैनल पे। और ये वाला अगर मैं कॉम्बो में खरीदता हूँ तो मुझे करीब करीब 1100 रुपये का पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं इनके जो दूसरे फ्रेग्रेंसेज है जैसे डस्क हो गया, डॉन हो गया, वो सस्ते पड़ते हैं। वो करीब करीब 575 से 600 के बीच में आते हैं। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन उनके सारे परफ्यूम्स बहुत अच्छे नहीं हैं, वैसे तो सारे ही क्लोन्स हैं, बट खासतौर से कुछ परफ्यूम जो है मुझे बहुत अच्छे लगा, जैसे बिलेनियर था। ये खासतौर से मुझे काफ़ी पसंद है गर्मियों के सीजन में। तो आइए बात करते हैं सेंट प्रोफाइल की। शुरुआत में जो स्टार्टिंग है, वैसे तो ये इस रेंज के जितने भी परफ्यूम्स है इसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल ब्लास्ट आपको मिलेगा। वैसे इसमें ज़्यादा आता नहीं है, वही 3-4 सेकेंड का जो एक अल्कोहल ब्लास्ट है, सबसे पहले स्प्रे करेंगे तो आएगा। 3-4 बाद आप इसे अगर स्मेल करेंगे तो प्रॉपर जो इसका प्रोमिनेंट सेंट प्रोफाइल है वो इसमें से आएगा। स्टार्ट होता है एक लेमन ब्लास्ट से। अगर आप नींबू को स्लाइस करके रख दें कहीं पे, उससे जो एक लेमन ब्लास्ट आती है, वैसा एक लेमन ब्लास्ट है। बगमॉट सिट्रसी स्मेल है, बैकग्राउंड में एक वाइट फ्लोरल आता है। तो ये एक फ्रेश कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है जो कि इस वेदर के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश है, लेमन बर्गमॉट वाली फ्रेश ओपनिंग है। मिडिल नोट में जाते जाते ये वैसे ही सिट्रसी और थोड़ा सा फ्लोरल रहता है, और जैसे ही अपना ड्राई डोर में चला जाता है ये सिट्रसी थोड़ी फेड हो जाती है। यानी सिट्रस और बर्गमॉट की जो लेमनी स्मेल है वो आपको मिलेगी, फ्रेशनेस मिलेगी आपको, थोड़ा सा सोपीनेस आ जाता है ड्राई डाउन में। जैसे सिंथॉल का जो साबुन है, आप में से किसी ने अगर यूज़ किया है तो उस तरह का एक लेमन वाली वाइब आपको इसमें से मिल जाएगी। फ्रेशनेस, पूरा फ्रेश कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है। वैसे ये काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस का मुझे याद दिलाती है। सबसे पहले तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सिमिलर है इस फ्रेग्रेंस से, ये है मर्सिडीज बेंच का कलोन। ये मेरे ख्याल से क्लोन या आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट है इस फ्रेग्रेंस का, या फिर डियोर होम कलोन, जिमी चू आइसमैन, बुल्गेरी टाइगर। अगर आपको ये सारे फ्रेग्रेंसेस पसंद है जो कि एक समर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस है, तो ये फ्रेग्रेंस भी आपको बहुत पसंद आएगा। लॉन्गजीविटी अगर और प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रोजेक्शन जो है वो 30 से 35 मिनट का है। शुरुआती समय में ये 1 से 1.5 फीट तक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट करेगा, आपको बिल्कुल फ्रेशनेस देगा। समर्स डे में बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन ये 30 से 35 मिनट तक ही प्रोजेक्ट करेगा। किसी केस में अगर आप 40 मिनट का आपको प्रोजेक्शन मिल गया तो आप अपने आप को लकी मान सकते हैं। लेकिन अब जब मैंने इसे यूज़ किया है गर्मियों के हीट
प्रॉपर हीट में, मतलब अभी का जो वेदर है मैं बात कर रहा हूँ 35-37 डिग्रीज तक रहता है जिस शहर में मैं रहता हूँ, और काफ़ी ह्यूमिड वेदर है, तो इस समय मुझे ये 30 से 35 मिनट का प्रोजेक्शन देता है, और जो इसका लॉन्गजिविटी है दैट इज 3 आवर्स प्लस, यानी 3 से 3.5 घंटा। वैसे ये जो मर्सिडीज बेंच कलोन है इससे भी बहुत ज़्यादा मुझे लॉन्गजिविटी नहीं मिलता है, इससे भी मुझे करीब 4 घंटे का ही लॉन्गजिविटी मिलता है। मुझे टाइगर मेरे पास था, टाइगर में भी 5 घंटे 4.5-5 घंटे तक ही लॉन्गजिविटी मिलता है। डियोरहम कलोन और जिमी चू आइसमैन का मुझे इतना पता नहीं है, बट ये जो फ्रेश कैटेगरी के फ्रेग्रेंस रहते हैं इसमें से इतने ही आपको लॉन्गजिविटी मिलेंगे। बट उसका जो प्राइस है मर्सिडीज बेंच कोलोन का, वो मैंने 4000 में खरीदा है, मुझे ये नहीं पता अभी ये मिलता भी है कि नहीं, बट इसका जो प्राइस है 100 ml का अगर मैं बात करूँ तो आपको 600 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर 600 रुपये के अंदर अंदर एक परफ्यूम जो सिमिलर है इन परफ्यूम से, जो एक फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है और आपको 3 घंटे की लॉन्गजिविटी देता है, तो मैं समझता हूँ इन्होंने बढ़िया काम किया है। तो लॉन्गजिविटी हो गया 3 घंटे का, 3 से 3.5 घंटे का, मान लीजिए डिफर करेगा केस टू केस, जहाँ पे वेदर थोड़ा ड्राई है, टेम्परेचर थोड़ा 30 डिग्री के आसपास है, वहाँ पे शायद आपको 3.5 घंटे प्लस भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम समर्स की, जहाँ पे 40 डिग्री 37-38 डिग्रीज का टेम्परेचर रहता है ह्यूमिड वेदर में, 3 घंटे आपको ये लॉन्गजिविटी दे देगा। तो ये रहा प्रोजेक्शन ऑफ लॉन्गजिविटी, कौन कहाँ और कब इसे यूज़ कर सकता है। इसे मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन समय है यूज़ करने का समर्स डे, मतलब दिन के समय यूज़ करें गर्मियों के मौसम में। अगर आप ऑफिस के लिए यूज करना चाहेंगे तो ऑफिस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपको एक डीकैन कैरी करना पड़ेगा, या आपको अपने साथ ये बॉटल कैरी करें या डीकैन कैरी करें, हर 3.5-4 घंटे बाद एक बार रीलोड आप कर लीजिए, तो ये पूरा दिन आपको फ्रेश रखेगा। या फिर आप 2 से 3 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, दिन के समय समर्स है, हाई हीट है, तो उस समय ये बेहतरीन काम करती है। कौन कहाँ और कभी से यूज कर सकता है मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है मार्किंग की। मार्किंग जो रहेगा मेरा ये, वैसे तो ये DNA मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं समझता हूँ कि देखिए आज के डेट में जो है आपको सैकड़ों क्लोन्स मिल जाएंगे। अगर आप क्लोन हाउसेस की बात करें तो डियोर शोवास, क्रीड एवेंटर्स, इस सारे परफ्यूम्स का आपको सैकड़ों क्लोन मिल जाएंगे, जो कि ब्लैंको ने भी बनाया, लेकिन ये जो है ये समझ के लिए एक बेहतरीन उन्होंने ऑल्टरनेट बनाया है। इस तरह के DNA लोगों को पसंद आता है, काफ़ी सेफ फ्रेग्रेंस है ये, और मैं इसे 10 में से 7 नंबर दूंगा, 7 out of 10। ठीक है, हाँ लॉन्गजिविटी का थोड़ा इशू है, 3 घंटे 3.5 घंटे आपको लॉन्गजिविटी मिलेगी, बट इसके अलावा अगर आप सेंट प्रोफाइल को जज करें तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ये सेंट प्रोफाइल है। तो उसके हिसाब से सारा कुछ ध्यान में रखते हुए मैं इसे 7 दूंगा, 7 out of 10। मैं रिकमेंड करता हूँ इस फ्रेगरेंस को, ये बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है, और इसे गर्मियों के दिनों में आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे गर्मियों के दिनों में मोस्ट ऑफ द फ्रेगरेंसेज जो है ज़्यादा देर टिकता नहीं है, बट स्टिल ये आपको 3 घंटे की लॉन्गजिविटी दे देगी। तो ये था मेरा रिव्यू फॉर ब्लैंको स्पोर्ट्स परफॉर्म, ब्लैंको स्पोर्ट्स परफॉर्म, और होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।